अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निजामी। आप देख रहे हैं निजामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, आज जो रेसिपी बनने के लिए जा रही है वो है चने और लाहौरी भटूरा। ठीक है, आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई और मैंने उसके साथ जो है वो भटूरे रख लिए हैं कि लाहौरी भटूरे जो है वो खस्ता वाले, फलौफी वाले, वो किस तरह बनते हैं। ओरिजिनल रेसिपी सिर्फ क्या है, इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है, तो इस चीज का जरा ख्याल कीजिएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप मेहनत थोड़ी सी करेंगे तो बेहतरीन निज़ाम जो है वो बन जाएगा और बेहतरीन जो है वो भटूरे आपके बन जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर लूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से मोहब्बत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही अमेजिंग है। आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, और इसी तरह मोहब्बत और प्यार बांटते रहिए। और मैं डेली आपके लिए आपकी फरमाइशों पे इंशाल्लाह मैं हर चीज आपको बना के दूंगा। अल्लाह पाक मेरी जिंदगी रखे, जब तक हूं इंशाल्लाह मैं अपना इल्म जो है ये ट्रांसफर करता रहूंगा। और मैं समझता हूं कि इससे मुझे जो प्यार और मोहब्बत आपसे मिला है, मेरे मुझे दिली सुकून होता है, दिली सुकून होता है। डेली मैं आपके जो कॉमेंट्स पढ़ता हूँ तो अमेजिंग है, बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। भटूरे बनाने के लिए आपने सिर्फ देखना है करना क्या है। पहली बात तो यह है कि आपने माश की दाल लेनी है। अगर एक पाव आपके पास मैदा है, देखिए छोटा काम करता हूं कि आपकी समझ में आ जाए। एक पाव अगर मैदा है तो 2 चम्मच माश की दाल के आपने भिगो के उसको उबाल लेना है। बहुत ज्यादा गलानी नहीं है आपने, आपने उसको खड़ी रखना है। खड़ी रखने के बाद आपने कुंडी डंडे के अंदर आपने उसको कूट लेना है, या ब्लेंडर के अंदर, तो बहुत ज्यादा ब्लेंड हो जाएगी। हल्का सा चॉपर आपने चला लेना है कि आधी टूट जाए आधी रह जाए। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भटूरे के अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट डालूंगा ये मैं आपको बताता जाऊंगा, तरीका कार क्या है इसका। अच्छा, मैंने 1 कप पानी जो है वो इस बॉल के अंदर डाल लिया, और आपने भी इसी तरीके से करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 पाव मैदे के लिए आपको ईस्ट चाहिए। ये मेरा ख्याल 2 चुटकी होगी ईस्ट। ठीक है, 2 चुटकी ईस्ट आपने इसके अंदर सबसे पहले डाल ली, पानी के अंदर ईस्ट डाल ली। अच्छा, उसके साथ मेरे पास है सोडा। ठीक है, 2 चुटकी सोडा जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, तीसरी चीज जो भूलने वाली नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि 1 पाव के अंदर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच आम खाने वाले टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल के शामिल करने हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये कुंडी डंडे के अंदर मैंने दाल को जो है, माश की दाल को मैंने रगड़ा हुआ है। ये मैं आपको माश की दाल भी उबली हुई दिखा दूं कि ये जो माश की दाल है ये उबली हुई है, इसमें से थोड़ी सी दाल मैंने ले ली है। अच्छा, 1 पाव मैदे के लिए आपने 2 चम्मच दाल जो है उसको भिगोना है, माश की दाल को भिगोना है और आधा उबालना है। जैसे कच्ची पक्की हो तो आपने कुंडे में आपने रगड़ लेना है। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे भर के 2 चम्मच जो है, 1 पाव मैदे के अंदर भर के 2 चम्मच जो है वो आपने दाल माश के डाल ले लिए। ठीक है, और उसके बाद 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। ठीक है, नमक के बाद आएगा हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद आएगा कुटी और पिसी हुई मिर्च, मिला के आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। 1/2 टीस्पून ये चला गया। अच्छा, ये हो गया इसके इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल, जो के भटूरे के लिए हम बनाते हैं और तैयार करते हैं। इसके साथ जो है वो इसकी मैदे की खूबसूरती के लिए धनिया, ठीक है, ये धनिया जो है वो भी मैंने पानी के अंदर शामिल कर दिया। अब बात समझ में आई। हम क्या करेंगे कि अब इसको तमाम चीजों को मिक्स करेंगे इसमें।
पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, पानी के अंदर डालने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी जो ड्राई चीज़ें हैं जैसे कि ईस्ट है, सोडा है, नमक है, मिर्चें हैं, जो ड्राई चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। ये मैदा गया इसके अंदर, और अब आपने क्या करना है, पहले तो इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने पूरी से थोड़ा सा नरम, पूरी से थोड़ा सा नरम पानी के साथ इसको गूंद लेना है और गूंद के पेड़ा बना लेना है। इस चीज का ख्याल कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें भटूरे के लिए तैयार हो गई, और हम पानी की मदद से जो है वो इसको इकट्ठा करके आपको बता देता हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा पानी ना डालिएगा, बिल्कुल हल्के आग के साथ आपने इसका पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करके पेड़ा बना लेना है। और मैं भी इसी तरह करूंगा, इसका पेड़ा बना के मैं इसका बाहर निकाल लूंगा। अच्छा, ये सारा मैदा जो है ये इकट्ठा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पेड़ा बाहर निकाला हुआ है, मिक्स किया हुआ है, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, और बड़े प्यार के साथ इसको जो है वो मैं अब गूंद लूंगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से गूंद के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने देखा कि ये मैदा जो है ये बड़ा प्यारा गुन चुका है, और मैं आपको उठा के दिखा दूं। अच्छा, थोड़ी सी मैदे के अंदर चिपकन होगी, ये जेन में रखिएगा, क्योंकि बर्तन को ये पकड़ेगा। इसकी वजह ये है कि जो मैंने दाल इसके अंदर शामिल की है वो आपको पता है चिपचिपी होती है, तो वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। अगर आपके हाथों को चिपके तो आपने क्या करना है, हल्का सा तेल आपके पास होगा, आपने इसके ऊपर लगा के और इसकी अच्छी सी गुंदाई कर ली है, ठीक है। ये भी दिक्कत आती है कि बच्चे जो हैं, आप लोग जो है, वो होता ही है कि तंग आ जाते हैं जी, हाथों को चिपक रहा है, ऊपर उठ रहा है, दाल की वजह से ये ऊपर भी उठेगा और चिपके का भी। अगर ऐसा हो तो आपने हल्का सा इसका ऑयल का हाथ लगा के आपने इसको जो है वो गूंद लेना है। अब आप देखें, मैंने क्या किया है कि देखा कि यार आपको ये आटा जो है ये खूबसूरत किस तरह नजर आएगा, तो मैंने इसके अंदर जो है हरा धनिया चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। अब ये भटूरे के अंदर भी आएगा, आटा भी खूबसूरत लगेगा, तो मतलब ये कि खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। अब मैं इस पेड़े को थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख देता हूँ, और दूसरी बात ये कि ईस्ट अपना काम कर ले, इसको थोड़ा सा फुला दे, इसलिए मैं इसको ढक के एक साइड पे रख दूंगा। ऑयल मैंने लगा दिया कि इसके ऊपर पपड़ी ना आए, अब मैं ढक के इसको साइड पे रख दूंगा। अच्छा जी, आटा जो है ये हमारा ठहर चुका है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से थोड़ी सी सफाई करके अच्छे तरीके से, ठीक है, सफाई कर लीजिएगा, और इसके नीचे हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगा लेना है आपने। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके पेड़े कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप नाइफ के साथ भी काट सकें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसके पेड़े करके, जिस तरह पूड़ी के पेड़े करते हैं, सेम इसी तरीके से आपने इसके पेड़े करके मैं प्लेट के अंदर रख के इसको ढक के रखना है, ठीक है। क्योंकि ढकने का मतलब ये होता है गीले कपड़े के साथ, हर के अच्छे तरीके से नुचड़े हुए कपड़े के साथ आपने इसको ढक के रखना है कि इसके पपड़ी ना आए। आपने क्या करना है, प्लेट के अंदर ट्रे हो, प्लेट हो, कोई सी भी चीज हो, आपने उसको नीचे ऑयल लगा लेना है, और ऑयल लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से, ये देखें पीछे से बंद हो गया। अच्छा, ये फूले ना फूले, हालांकि ये थोड़ा सा मोटा होता है पूड़ी की बनिस्बत, पूड़ी बिल्कुल बारीक होती है, और ये जो भटूरा होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये फूले ना फूले कोई मसला नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, इसका जो टेस्ट मैंने बनाया है अमेजिंग टेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये सारे पेड़े करके आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये सारे पेड़े जो हैं ये हमारे तैयार हो गए। अच्छा, पेड़ों के बाद आपने क्या करना है कि ऑयल, अच्छा खासा ऑयल लगाना है इसके ऊपर, क्यों कि ये खुश्की की तरफ ना जाए, खुशक ना हो, क्योंकि अभी हमने इसको, मेरा ख्याल है को 20-25 मिनट लगेंगे, आधा घंटा भी लग सकता है, उसके बाद हमने इसको यूज करना है। अब इसको तेल लगाने के बाद आपने गीला कपड़ा जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसको ढक देना है, और ढकने के बाद आपने एक साइड पे रख देना है इसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम बेहतरीन से चने, भटूरे के लिए चने, पूरी के लिए चने, तरीका कार उसका यही रहेगा।
थोड़ी सी बात समझाता जाऊं मैं कि चने को बनाना किस तरीके से। ये मैंने चने जो हैं ये उबाले हुए, लेकिन आप यकीन करें कि ये इस तरीके साबत भी हैं लेकिन बिल्कुल ये गले हुए। ये देखें, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है, बिल्कुल गले हुए। ये भी हम इसी में, अच्छा इसका तरीका कार क्या होगा, मैंने एक पाव चने का बता रहा हूं आपको, एक पाव चने किस तरह बनाने हैं। आधा किलो है तो फिर आप उसको डबल करते रहिएगा। एक पाव चने लेने हैं, दो चुटकी जो है वो आपने सोडा उसी पहले पानी से धो लेने हैं, धोने के बाद पानी को गिरा देना है, और गिराने के बाद आपने दो चुटकी सोडा उसमें डाल के कम से कम 2 घंटे तक आपने उसको रख देना है। उसके बाद आपने किसी भी कढ़ाई के अंदर, किसी पतीली के अंदर, बेशक प्रेशर के अंदर, लेकिन प्रेशर में ये बिल्कुल गल जाएंगे, इस चीज का ख्याल कीजिए, किसी भी पतीली के अंदर डाल के उसी सोडे वाले पानी के साथ आपने पकाना है इसको। अच्छा तरीकाकार क्या होगा, जैसे ही उस सोडे वाले पानी को उबाल आया उसकी आपने झाग उतार लेनी है, झाग उतार के आपने फेंक देनी है, फिर उबाल आया उसको ढक दिया, चूल्हा जो है वो जीरो कर देना है आपने। वो चने जो है वो हल्का हल्का हल्के हल्के उबाला आता रहेगा उसको, ठीक है। अच्छा आपने कुछ तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको देखना है चने को उठा के कि आया ये बिल्कुल गल चुके हैं, चना आपका टूटेगा नहीं, उसका छिलका अलग नहीं होगा। ये चीज, ये टिप है उसको कि जैसे ही उबाल आए चने को जरा सा जीरो पे आंच पे आपने रख देना है कि उबाल आता रहे, हल्का सा उबाल आता रहे, ठीक हो गया। अच्छा आपने क्या करना है कि चने को, ये रहा सोडे वाला पानी ब्राउन कलर का, ठीक है, ये ब्राउन कलर का सोडे वाला पानी जो कि मैं इसमें से निकाल चुका हूं। अच्छा चने टेस्टी किस तरह बनते हैं ये मैं आपको, एक टिप है बड़ी जबरदस्त, आप कुछ भी ना इसमें डालें लेकिन वो टिप इस्तेमाल करें, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। चने मुंह से नहीं उतरेंगे, ठीक है। अब हम चने बनाने के लिए जाएंगे। अच्छा जी बिस्मिल्लाह करते हैं कि चने को बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि तकरीबन आधा कप जो है वो हम ऑयल पतीली के अंदर डाल देंगे। अच्छा चूल्हे को हम स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले एक प्याज, एक पाव के लिए एक प्याज दरमियाना, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा दूसरी चीज, ये तो प्याज आपको पता है घर में हम हर रोज लेडीज जो है वो आंडिया बनाती है, इसके अंदर जाएंगे टमाटर, प्याज एक, टमाटर दो, अदरक लहसुन का पेस्ट तीन, हरी कटी हुई मिर्च चार, और कुटी या आपके पास पिसी मिर्च, कोई मसला नहीं, कोई मजायका नहीं है, ये हसवे जरूरत जाएगी। और इसके साथ जो है वो हल्दी ये जाएगी इसके अंदर, और नमक जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तरीकाकार यही होगा, जैसे ही ये ब्राउन होगा तो मैं फिर इसके अंदर, जैसे ही हल्का सा लाइट ब्राउन कीजिएगा, जैसे ही मैं फिर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा तो मैं आपको आगे लेके चलूंगा, इसको मैं जरा ब्राउन कर लूँ। अच्छा जी अगर लाइट ब्राउन आपका प्याज हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो देखिएगा कि पाव भर चने हैं हमारे पास, इसके अंदर एक टीस्पून जो है वो हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भर के डालेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर गया, अब हम जरा इसको सोते करेंगे, अब ठीक है। टिप मुझे याद है कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको आगे चल के एक टिप जो है वो दूंगा, जिसकी वजह से ये लेडीज जो हैं ये बहुत बड़ी गलती करती हैं, इस चीज को इंशाल्लाह निकल जाएगी वो इनकी जो वो चीज है ना कि जो गलती करती हैं वो निकाल दूंगा। अच्छा ये एक टमाटर है, इसको मैंने चॉप कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने, ठीक है, ये शामिल हो गया। अब मैं चूल्हे को हल्का कर दूंगा और इसके अंदर तमाम नमक मिर्च ये जितनी भी चीजें हैं ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। अच्छा ये सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मिर्च हसबे जरूरत, एक पाव आपके पास चने हैं तो हाफ टी स्पून इसके अंदर मिर्च का जाएगा, ठीक है, और उसके साथ ही हाफ क्वार्टर टी स्पून जो है वो हल्दी का इसके अंदर शामिल करेंगे, और साथ ही चार पांच हरी मिर्च जो है वो कुटी हुई इसके अंदर शामिल कर देंगे, और उसके बाद डालेंगे हम हसबे जरूरत नमक,
1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि अगर जरूरत बाद में पड़ी तो हम और डाल सकते हैं, अगर ज्यादा डल गया तो सारा मजा जो है वो आपका किरकिरा हो जाएगा, मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम भून लेंगे। अच्छा, एक चीज अब और बताता जाऊं मैं, अब आपने मसाले को खुशबू आने तक आपने भूनना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने देखा कि ये मसाला जो है ये हमारा खुशबू तक चला गया है, भुन गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक टिप तो ये है कि मैं लाल वाली आपने दाल लेनी है और 2 चम्मच दाल को भिगो देना है, वो भी इसी में आपने शामिल कर देनी है। अब इससे क्या होगा, ये दाल जब हम इसको दम पे रख देंगे, चने आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे, तो ये दाल जो है ये गाढ़ापन लेके आएगी इसके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक और बता दूं आपको कि इससे जायका भी इसका जो है वो दुबाला हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं उबाला आएगा और जैसे ही उबाला आएगा तो मैं इसके अंदर चने शामिल कर दूंगा, और वो जो टिप मैंने बोला था कि आपने ये जरूर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसको उबाल आ चुका है, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो 1/2 भर चने हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर देंगे। आप यकीन करें, अगर मेरे पास आप होते तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू जो है वो निकल के आ रही है, आप यकीन करें बहुत मज़ेदार ये चने जो हैं ये बनने लग जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो पानी मैंने इसका निकाला था, औरतें क्या करती हैं, ये टिप जो मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा, ये वो टिप है कि जो कि इसके जायके को बर्बाद कर देती है। औरतें क्या करती हैं कि जब इसको उबाल लिया, इसका सोडे वाला पानी गिरा दिया और ताज़ा पानी डाल दिया। आप मुझे ये बताएं कि जिस चने का पानी, जिसकी ताकत, जिसका सारा असर, जिसका टेस्ट इस पानी के अंदर है, उसको तो आप गिरा देती हो। ठीक है, तो होता यह है कि आपके चने बेमजा, आप दही डालते हो इसमें, टमाटर डालते हो, मिर्च, जो भी मर्जी डाल लो, लेकिन ये जो टेस्ट है ये इसका निकल के नहीं आता। ठीक है, ये मैंने पानी जो है ये इसके अंदर शामिल कर दिया और ये देखें आपके चने जो हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, ये थोड़ा सा पानी मेरे पास बचा हुआ था, वो मैंने सारा पानी, मैंने एक 2 चुटकी सोडा इसमें, वो उसका टेस्ट, उसका जायका भी मैंने, ये थी टिप टिप जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा था। अच्छा, ये चने पकने शुरू हो गए। अब मैं बता रहा था आपको कि चने अगर आपके काले हो जाएं तो आपने क्या करना है, कप में दूध लेना है, हसबे जरूरत आपने डालना है, चम्मच डले, 2 चम्मच डले, 3 चम्मच डले, जब आप देखो कि इसका कलर जो है वो निकल के आ गया है तो वहां पे आपने रोक देना है। ये ना सोचिए, कुछ लोग परेशान होते हैं कि हमारे चने जो है ये स्याह काले हो गए, क्योंकि पानी की वजह से अक्सर बेशतर हो जाता है, तो आपने दूध की मदद से उसको जो है वो अच्छा कर लेना है, खूबसूरत कर लेना है। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि मैं अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा येलो कलर जो है वो शामिल करूंगा खूबसूरती के लिए, क्योंकि सफेद सफेद चने ये नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये चने नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको खूबसूरती के लिए, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए मैं इसके अंदर येलो कलर शामिल करूंगा। और उसके साथ एक चीज और है, वो मैं आपको कलर शामिल करने के बाद बताता हूँ। अच्छा, ये देखें अब चने जो हैं ये आपके बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब एक तो दाल जब आपकी गलेगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा, दूसरी चीज ये है कि ये कलर जो है ये इसको खूबसूरती देगा। ये मैं कलर इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने, येलो कलर। अब चने की खूबसूरती देखना कि वो व्हाइट था, अब ये थोड़ा सा पीलापन आ गया इसमें और खूबसूरत आपकी डिश, ये देखें हल्का सा पीलापन आ गया और आपका चने खूबसूरत हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं डालूंगा बेसन, अच्छा वाला बेसन लीजिएगा, पानी के अंदर इसको घोल लेना है आपने, थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छे तरीके से आपने घोल लेना है और घोल के इसमें शामिल कर देना है। एक तो आपकी दाल जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी, बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, और दूसरी चीज जो है वो बेसन जो ये थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, एक तो ये गाढ़ा करेगा, दूसरा ये कि पकने के बाद ये टेस्ट पैदा करेगा। ठीक है, ये बेसन आपका इसके अंदर शामिल हो गया। अब आपके चने जो हैं ये रेडी हैं, सिर्फ क्या है कि इसको दम पे रखेंगे, अच्छा सा इसका जो है वो निकल के आ जाएगा टेस्ट और ये गाढ़े हो जाएंगे, और मैं इसको कर देता हूँ साइड पे और ये पकते रहेंगे।
उसके बाद मैं कढ़ाई को इस तरफ ले आऊंगा और भटूरे बनाना शुरू कर देंगे। उतनी देर तक जो है वो आपके चने तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने देखा कि चने जो हैं ये हमारे हल्की आंच के ऊपर, एक तो दाल जो मैंने कच्ची डाली थी इसके अंदर वो भी पक चुकी है, और हमारे चने जो हैं ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो है ये तैयार हो बिल्कुल गया। खूबसूरत भी हैं, जायके में भी बेमिसाल हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास है गरम मसाला। गरम मसाला आपने साबत गरम मसाला लेना है, उसको अच्छे तरीके से कूट लेना है, जिसके अंदर दालचीनी है और इसके अंदर जो जीरा है, काली मिर्च है और कड़ी पत्ता है, और ये इसके अंदर शामिल करके खूबसूरती के लिए जो है वो धनिया इसमें शामिल कर दूंगा। और अब जो है मैं इसको बस बंद कर दूंगा, फिर मैं बाद में आपको डिश में उठ करके जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, चने हमारे पक रहे हैं और हमारा तेल जो है ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। मैं क्या करता हूँ कि आवाज आ गई आपकी, अब ये तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है और हमारे भटूरे जो हैं वो भी आप देखें कि थोड़ा सा इसमें फूला है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे इसी तरीके से, अगर आपसे इससे बने तो ठीक है, ना बने तो कोई बात नहीं। आपने क्या करना है कि इसको बेल लेना है, ठीक है, और साइज का ख्याल कीजिएगा, थोड़ा सा आपने इसको छोटा रखना है, बस ठीक है। और इस तरीके से आपने तीन चार सुराख निकाल दें। अब ये देखें इसके अंदर जो है धनिया, मिर्च और ये सारी चीजें जो हैं, दाल खास करके ये जो नजर आ रही है आपको, ये दाल नजर आ रही है, आपने इसको फ्राई कर लेना है। देखें ये भटूरा जो है ये आपका तैयार हो गया। मैंने पहले बताया था कि इसने फूलना नहीं है, अगर ये पूरी होती तो फूल के ये कुप्पा बन चुकी होती, ठीक है। ये आपका भटूरा तैयार हो गया, मज़े कीजिएगा, खाइएगा इसको, ठीक है। और अगर मैं आपको चने का दिखाऊं तो आप यकीन करें इतने खूबसूरत और गाढ़े चने, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ये देखें कैसा गाढ़ा पानी इसके अंदर आ गया है। और चने जो हैं ये हमारे, अच्छा नमक का ऊपर नीचे हो सकता है, नमक अगर कम बेश आप डालना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। कुछ लोग मिर्चें तेज खाते हैं, नमक कम खाते हैं, तो पहले नमक आपने कम डालना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आपने, ये देखें ये चने आपके रेडी हो गए, ठीक है। अब मैं ये तमाम भटूरे भी बना लूंगा, और भटूरे बनाने के बाद जो है इसको डिश आउट करके जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा जी। तो आपने देखा कि मैंने आपकी फरमाइश के ऊपर, आज तो माशाल्लाह आपको खुश हो जाना चाहिए कि आज आपकी फरमाइश जो है वो पूरी हो गई, भटूरे भी बन गए और लाहौरी चने भी बन गए, बहुत मजेदार, जायकेदार, अमेजिंग। जिस तरीके से मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप भी इसी तरीके से इसको बनाइएगा, और मैं समझता हूँ कि आपको अल्लाह पाक बहुत इज्जत देगा अगर आप इसको बनाएंगे, अपने प्यारों को, अजीजों को, अपने साथियों को खिलाएंगे, आपको जरूर दाद वसूल होगी। अगर आपको मोहब्बत और प्यार मिले तो हमारा भी हिस्सा बनता है। और सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिस तरीके से आप इसको लाइक और शेयर कर रहे हैं आप यकीन करें कि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि सच कहूं तो मुझको ये अनवान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये अनवान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। तो इसके साथ ही अफजल निजामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।